असल बात ये थी कि इंडिया ने तमाम चीजों को, तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ मिलाया हुआ था। अब आपको स्मार्ट मूव करनी थी। अब आप पहले ये कह चुके हैं कि जी हम नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं हम आपके बगैर खेल लेंगे। अब आपके पास वर्ल्ड कप से पहले कोई मैचेस ही नहीं है, आपको ये इवेंट आप किसी तौर पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर आप दूसरा ये प्लान कर रहे थे कि जो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज है, आप उस टेस्ट सीरीज को वनडे क्रिकेट में बदल लें। अब वो भी कह रहे हैं कि जी नहीं, हम आपको भी प्रैक्टिस का मौका नहीं देंगे, वो भी वनडे में नहीं जा रहे। बाद श्रीलंका ने भाई साहब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इनकार कर दिया है कि हमने आपके साथ ओडीआई सीरीज खेलनी ही नहीं है। बिल्कुल पीसीबी की जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया है। बात तो ये कि भारत अगर वहां भी ये सेम मौकफ अपना ले तो फिर आईसीसी कहां स्टैंड करता है, आईसीसी का किस करवट बैठेगा। और अगर मैं एक दफा बैकफुट पर चले गए एक बार साहब, तो मुझे तो लगता है कि फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी बिल्कुल गैर यकीनी सूरत से दो चार है। भारत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में तनहा करने की, लेकिन जो मेरी ज़राए बताते हैं, जो मुझे पता चला है अब्दुल गफ्फार, वो यही है कि पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप पे, बार्गेनिंग कर रहा है पाकिस्तान आईसीसी से, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना होगा। से देख रहे हैं कि पूरी जो क्रिकेट है उससे भारत का कंट्रोल है, हम सबको वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के द्वारा कि श्रीलंका भी भारत का साथ दे रहा है। देखिए आपको बता दूं कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और पाकिस्तान भारत के बीच जो विवाद होते हैं उसमें आपने देखा होगा अक्सर यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश कंट्रीज के पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होती हैं जो भी टूर्नामेंट इन दोनों के बीच एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप या कोई भी हो, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है यूएई को, यूएई में भारत होस्ट होता है तो T20 वर्ल्ड कप वहाँ शिफ्ट होता है। श्रीलंका में भी होता है, बट श्रीलंका को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता जितना यूएई को मिलता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं टॉपिक पर। एशिया कप किस मरहले में, सबकी नजरें इसी जानेब है। बार्कले चले गए, एलरडाइस चले गए, लेकिन जेशा अपनी जगह पे उसी तरीके से मौजूद हैं, और अब तो उनके साथ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी मौजूद हैं। नसीम भाई देखें, असल मामला ये है कि हमें थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा कि ये मामला शुरू हुआ एहसान मानी से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतने एहसान थे अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बेशुमार एहसान हैं श्रीलंका पे, पाकिस्तान क्रिकेट के बेशुमार जो है वो एहसान हैं बांग्लादेश पे, लेकिन आप देखें कि ये तीनों बोर्ड जो है वो आपके साथ नहीं खड़े हुए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आप मानते हैं कि भारत के पास पैसा है, लेकिन डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। तो एहसान मानी के दौर में सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए, क्रिकेटर बेरोजगार हो गए, इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी आप जो है वो तनहा हो गए, आपने कोई डिप्लोमेसी अपनाई ही नहीं। और इसके साथ फिर रमीज राज आए, उन्होंने आखिरी कील ठोंक दिया। अब जब नजम सेठी आए थे तो तवक्को ये की जा रही थी वो चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ किन कौन से उन्होंने एडवाइजर रख लिए, किन के कहने पर उन्होंने इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए, जिस तरीके से बड़के मार दी, और अब आपको जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। आप डे फर्स्ट से आप बिल्कुल मिसगाइड कर रहे थे लोगों को, चाहे कोई भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड की कोई भी पॉलिसी हो। असल बात ये थी कि इंडिया ने तमाम चीजों को, तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ मिलाया हुआ था। अब आपको स्मार्ट मूव करनी थी। अब आप पहले ये कह चुके हैं कि जी हम नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं हम आपके बगैर खेल लेंगे। अब आपके पास वर्ल्ड कप से पहले कोई मैचेस ही नहीं है, आपको ये इवेंट आप किसी तौर पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर आप दूसरा ये प्लान कर रहे थे कि जो श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज है, आप उस टेस्ट सीरीज को वनडे क्रिकेट में बदल लें। अब वो भी कह रहे हैं कि जी नहीं, हम आपको भी प्रैक्टिस का मौका नहीं देंगे, वो भी वनडे में नहीं जा रहे। कप के हवाले से तो मेरे ख्याल में आईसीसी इंटरवीन नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अपना जहन बना लिया है कि एशिया कप के तमाम फिर मैचेस श्रीलंका में होंगे, और आईसीसी के डोमेन में भी नहीं आता एशिया कप, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ही इसको डील करेगी। हाँ ये बात जरूर है कि आईसीसी क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस लें और इसको जरा सही तरीके से हैंडल करें। वो यही है कि पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप पे, बार्गेनिंग कर रहा है पाकिस्तान आईसीसी से, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना होगा। एशिया कप के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अब हिकमत अमली बना सकता है, क्या हम ऐसी कोई चाल चलें या हम वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ ऐसे प्रिंसिपल स्टैंड लें कि फिर हमें एशिया कप चाहे पाकिस्तान में पूरा ना हो पर हाइब्रिड मॉडल तो हो, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर सर पूरा शिफ्ट हो गया तो ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग होगा, ये ज्यादती भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, चूंकि भारत डोमिनेट है तो जी उसकी कहने पर कुछ भी हो सकता है। देखिए एशिया कप के इनेकाद से टोटल इन ऑल ब्रॉडकास्टर्स की फीस और ये वो गेट मनी सब मिलाकर पाकिस्तान को $6 मिलियन यानी $60 लाख की आमदनी मत रखे, और अगर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप में नहीं जाता, पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ, तो $6 मिलियन का हमें नुकसान होगा,
फिर वर्ल्ड कप से कबल हमारी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड दोनों इतने ज़्यादा इस समय परेशान है, स्पेशली पाकिस्तान। भारत क्यों परेशान होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता है कि भैया भारत हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। देखो यार, भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक चीज़ तो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा उठाएगा। वो तुम्हें किसी भी तरीके से मौका नहीं देगा कि तुम आगे बढ़ो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका नहीं देगा, जो कि देना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्री को। अब आप देख सकते हो किस तरीके से एशिया कप को लेकर पाकिस्तान ने नाटक किया। भारत पहले ही क्लियर था कि भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने बोला हाइब्रिड मॉडल, मतलब भारत के मैच यूएई में करा देंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान के ही होंगे। भारत ने कहा ऐसा कुछ सीन आप करते रहो, हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सीधा एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, सारी कंट्री वहीं हो, जिससे कि ओडीआई टूर्नामेंट हो, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। आपको पता है सितंबर में एशिया कप होना, तो जिस तरीके से अब माहौल बना हुआ है उस हिसाब से तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि एशिया कप आप हमारे यहाँ कराएं, पूरी तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान श्रीलंका से नाराज़ हो रहा है, बोल रहा है कि आप हमारे बीच में आप फ़ायदा क्यों उठा रहे हो, हमने आपको ये किया वो किया, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर सपोर्ट किया। श्रीलंका को जितना सपोर्ट भारत देता है उतना दुनिया में कोई कंट्री नहीं देता है। वो हर फील्ड में भारत बहुत सपोर्ट देता है। पाकिस्तान अपने थोड़े से सपोर्ट को लेके श्रीलंका को ब्लैकमेल करके या उनसे ये सब बातें करके फालतू परेशान हो रहा है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान सीधे सीधे जहां एशिया कप भारत कराना चाहता है वहां कराए, वर्ल्ड कप खेलने आए। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप कमज़ोर हो तो कमज़ोर को ताकतवर दबाता है, ये दुनिया की रीत है। और कमज़ोर के साथ बेईमान हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, हरामखोर हो, आतंकवादी हो, सब कुछ हो, तो आप ये डिज़र्व ही करते हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में।